बड़ी खबर आ रही है, जेजेपी के दुष्यंत चौटाला पीछे चल रहे हैं। अब क्या ये भी हो सकता है दुष्यंत चौटाला पीछे चल रहे हैं? दुष्यंत चौटाला सुजाता जो किंग मेकर थे पिछले चुनाव में 2019 में उचाना कला से, दुष्यंत चौटाला जेजेपी के नेता डिप्टी सीएम पीछे चल रहे हैं, ये बड़ा झटका है। ये ऐसा माना जा रहा था, एग्जिट पोल भी यही बता रहे थे कि जेजेपी का वोट और सीट कम होगी, इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। ये जाट वोट सीधा कांग्रेस में आया है, चाहे वो आईएनएलडी का हो, वो जेजेपी का हो, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है सीटों में। कांग्रेस 49 हो गई कांग्रेस के नंबर्स के बाद, इलेक्शन कमीशन के नंबर्स के बाद में बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटिंग हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के नंबर्स जिस हिसाब से बदल रहे हैं, बिल्कुल आप देखिए, और वोट शेयर में सिर्फ 2-3% का फर्क है, 25 बीजेपी 23 कांग्रेस। और अगर आप वोट शेयर देखें तो मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, बीजेपी 37.22 पे है, ये है बीजेपी का वोट शेयर, और कांग्रेस का वोट शेयर 41.27 है। तो 4% का वोट शेयर फर्क, हार या जीत हो जाती है उसमें, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं है जो इनिशियल ट्रेंड्स दिखा रहे थे। और जो अभी भी हमारे स्क्रीन पे भी आप देखिए, बीजेपी 35 आ गई, बीजेपी इज 35, कांग्रेस इज 49, 59 से 49 आए हैं, ये 25 से 35 आए हैं। ये पिछले 20 मिनट में 9-10 सीटें राइट से लेफ्ट हुई है, लेफ्ट से राइट हुई, हरियाणा इज स्टिल ऑन एंड हरियाणा इज स्टिल एक्टिव, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं। और इलेक्शन कमीशन 50 सीटों का ट्रेंड बता रहा है, 25 बीजेपी 23 नेशनल कॉन्फ्रेंस, और ये डिटेल है। अच्छा, अब हरियाणा 30 बीजेपी हो गया है, 28 कांग्रेस हो गया है, इलेक्शन कमीशन के डिटेल्स अब बहुत जल्दी जल्दी बदल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के डिटेल्स बहुत जल्दी जल्दी बदल रहे हैं, बीजेपी 30 हो गया है, कांग्रेस 28 हो गया है, इंडिपेंडेंट और INLD 1-1 हो गया है, जेजेपी 0 हो गया है, बीजेपी 30 INC 28। अब मैं अपने साथियों के पास अगर हम चले जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन 30 और 28 दे रहा है। अजय जी, अब आप सोच लीजिए, यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही चर्चाएं हो रही थी कि ग्राउंड रियलिटी क्या कुछ फर्क हो सकती है। इलेक्शन कमीशन में जो डेटा है 30-28 है, 30 बीजेपी, हाँ, डेटा अभी पूरा परिवर्तित है, कोई दिक्कत ना माने, इसे बढ़ता चला जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं है आगे पीछे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपना दिखा रहा है, ये कहीं कोई परिवर्तन नहीं है, 60 प्लस के साथ और जम्मू कश्मीर 50 प्लस के साथ यही सिचुएशन आएगी, या एक आधे घंटे बाद आए, एक घंटे बाद आए, वोटर का मन हमने टटोला हुआ, और वोटर ने वोट जो दिया है वो देश की एकता और अखंडता के नाम। चलिए, हम उम्मीद कर रहे हैं जलेबी आप ही लेंगे। से भी देखिए कि 2019 में बीजेपी को 36% के आसपास वोट मिला था, 36.49, अभी 37% वोट है, कांग्रेस का वोट परसेंट था 28% जो 41% शो कर रहा, और वो सीटों में रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे 55 पर कांग्रेस चली गई थी, 6 सीट पीछे आकर 49 पर कांग्रेस आ गई है, बीजेपी जो लगभग 15-20 पर थी वो 35 पर आ गई है, यानी जहां कम मार्जिन था उनमें लीड ली है अब बीजेपी ने। नहीं, बिल्कुल, और मैं आपको बता रहा हूं, आप देखिए जो मैप है इलेक्शन कमीशन अभी 60 सीटों का रुझान इलेक्शन कमीशन दिखा रहा है, उसके अंदर वोट शेयर आम आदमी पार्टी के पास 1.5% है, बीजेपी 36% पे है, कांग्रेस 41% पे है, मोटा मोटा 4.5% का फर्क है विनीत बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। लेकिन पिछले 25-30 मिनट में जैसे सिचुएशन बहुत जल्दी जल्दी चेंज हुई है हरियाणा में, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ सुचरिता सोहेल, दैट हरियाणा इज एक्टिव। हमारे साथी अगर अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं अभी भी काजल के पास जाना चाहूँगा, जो कि अभी हुड्डा के पास वहाँ पे गांव में थी हुड्डा साहब के, और वहाँ पे पीपल वर कॉलिंग द इलेक्शंस। गुरसिमरन जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर का इलेक्शन का डेटा भी जो है हमारे पास, उसके अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस 39 है, 1-40, बीजेपी 23 है, तो वो मोर ऑर लेस उसी ट्रेंड पे चल रहा है। अच्छा, वो भी 36 हो गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस 36 हो गया, बीजेपी 22 हो गया है, कांग्रेस हो गई 7, तो ये तस्वीर भी बदल रही है। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, इसमें कोई मुझे नहीं लगता चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि वहां डेटा टैली कर रहा है, जो हमारे स्क्रीन पर है इलेक्शन कमीशन का डेटा है, वो दोनों टैली करते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त गुरसिमरन, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है जम्मू कश्मीर में, ऐसा साफ नजर आ रहा है। पीडीपी के लिए बहुत बड़ा झटका है, पीडीपी 3 सीटों से आगे नहीं बढ़ रही है, वो टैली वहीं पर रही है।
देखिए, स्वाभाविक तौर पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए झटका जरूर है क्योंकि 3 पर सिमट कर रह गई है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस 3 पर है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है एक बड़ा एज मिल रहा है, 39 सीटों पर लीड है। और ये लीड दो बड़ी ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। एक है रविंद्र रैना जो कि 2800 वोटों से पीछे, और दूसरे राउंड में भी रविंद्र रैना कम से कम जो है 4500 वोटों से पीछे हो रहे हैं। अभी कम्युलेटिव डाटा कुछ देर में आ जाएगा। वहीं दूसरी महत्वपूर्ण सीट जहां पर भाजपा पीछे चल रही है वो है पाडर नागसेनी की सीट, क्योंकि कश्मीर में भाजपा के लिए सबसे अगर महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई कहा जाए तो वो सुनील शर्मा है, और सुनील शर्मा अपनी सीट पर इस वक्त जो है 1800 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये भाजपा के लिए काफी ज्यादा चिंताजनक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भाजपा की टैली जो है वो 23 पर पहुंच चुकी है इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन 30 के बिल्कुल आसपास नहीं है जो भाजपा ने अभी तक उम्मीद जताई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 30 को क्रॉस कर गई है, 39 तक इस वक्त तक पहुंच गई है। कुछ सीटें अभी भी फंसी हुई हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो कि अल्ताफ बुखारी की पार्टी है, जो 4 से 5 सीटों का दावा कर रही थी, वो अभी तक अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। CPIM के तारीगामी जो है वो अपनी सीट पर लीड कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाला रिजल्ट जो है वो कठुआ से आ रहा है, जहां पर BSP जो है वो लीड कर रही है। जी गुरसिमरन, इस वक्त चौंकाने वाला हरियाणा से आ रहा है। देखिए हरियाणा में BJP 39 कांग्रेस 47 हो गया है। क्या बीजेपी कमबैक कर रही है हरियाणा में? 39 पर बीजेपी, 47 पर कांग्रेस, 2 पर INLD है और JJP 0 अन्य 2 पर, यानी बीजेपी और कांग्रेस के नंबर्स पर आपको नजर बनाए रखनी है। हरियाणा में जैसा लग रहा था कि बीजेपी खत्म होती नजर आ रही, 15-20 सीटों पर सिमट रही है, वो 39 पर आ गई हरियाणा से। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स, हरियाणा में बीजेपी के लिए कमबैक सा नजर आ रहा है अभी जो रुझान आ रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का भी डेटा हम बता रहे हैं स्क्रीन पर, जो आप आंकड़े देख रहे हैं 39 बीजेपी सुहेल जैसा आप कह रहे हैं, 47 कांग्रेस। अब आप सोचिए 8 सीटों का फर्क रह गया जो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये एक अलग कमबैक है इस वक्त बीजेपी। राजीव जेटली जुड़ रहे हैं हमारे साथ बीजेपी से। राजीव जेटली, राजीव जी आवाज आ रही है आपको? काजल आ रहा हूं, अनामिका पांडे आ रहा हूं, राजीव जेटली जुड़ रहे हैं। राजीव जेटली आवाज आ रही है आपको? जैसे आवाज आते देखते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है वो 30 है बीजेपी, 35 हो गया है इलेक्शन कमीशन लेटेस्ट में, आपको बता रहा हूं 35 बीजेपी 29 कांग्रेस, ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है। अजय वर्मा जी,